हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज यार हम लोग इस गेम के अंदर ना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन इंडिया का रिकॉर्ड तो ज़रूर बन जाएगा कि भाई हम लोग इस मैच के अंदर 25 प्लस किल करने वाले हैं। वो भी समझ रहे हो ना, याशिया के अंदर अंदर ही हो जाएंगे ज़्यादातर। तो देखो यार, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर कूदते हैं, जो सी टाइप की बिल्डिंग होती है ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई जोन था। तो हमने सोचा बंदे बंदे बहुत मैं आएंगे, पहले ही उतर तो गए बंदे, मेरी टीम तो मुझे छोड़ के नंबर भाग उधर गई मत और मैं जाना, आ गया यहाँ पे। कवर देने के सबसे लिए है पहले ना। यहाँ से गन वन उठाई और बंदों को देखा, तो बंदा तो कोई भी नहीं आया था। तो पहले तो लूट करते हैं हम। अब काफ़ी देर लूट करने के बाद ना एक बंदा मेरी बिल्डिंग में आ चुका था नीचे, अरे तो मैं उसको तो मारना मस्ती बहुत था, ज़रूरी था, मस्ती वरना वो बाद हंस में मेरे रहा को मार देता। तो वो भाई यही रहा, इस बंदे के पास तो गन ही नहीं थी यार। ये बेचारा तो मजाक मजाक में मारा गया। खैर, इसको फिनिश करा मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर जाके कुछ लूट वूट कर लेता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे आया भाई, नेट मतलब कोई और बंदा था जो मुझे मारने की प्लानिंग कर रहा था। तो मैं यहाँ पे आया और उस बंदे का वेट करने लगा। फाइनली वो बंदा ऊपर आया और आके सीधा कमरे में घुस गया। तो चलो UMP को करते हैं रीलोड और हम भी घुस जाते हैं भाई। इस बंदे को भी नॉक कर दिया। तो जब इसको नॉक I कर got दिया तो फिनिश supplies. करना तो बनता है भाई यार, किल चोरी ना हो जाए। नहीं क्या, तो इसको मैंने फिनिश करा और फिर लूट वूट करी और फिर I got चलते हैं आगे। supplies. अब यहाँ पर जो है, मैं ऐसे स्पोर्टिंग कर रहा था बंदे की, तभी यहाँ पे एक बॉट आ रहा है। बॉट को मैं नॉक करने की कोशिश करी, टीममेट उसने किल चोरी कर लिया। और अब इस गाड़ी वाले बंदे को देखो भाई, किल चुराने के लिए ये बंदा कहाँ से आया पता ही नहीं। अब ये बंदा जा रहा है सीधा मेरे टीममेट के पास, तो मुझे भी उनके पास जाना पड़ेगा। तो मैं बिना सच्चे समझे यहाँ से कूद जाता हूँ। जैसे ही कूदा, सामने पहले तो एक बोट दिखा, इसको नॉक एंड कर दिया। अब चलते हैं और आगे, क्योंकि तो भाई बंदे बहुत सारे हैं मेरे टीममेट के पास, वो लोग बता रहे इधर थे। एक बंदा आया है, तो चलो आगे, गाड़ी है, और तभी तीन नंबर जो है नॉक हो जाता है, पता नहीं कहाँ पे भाई। फिर हमारे से साथ तो तीन आया नंबर नहीं, अविंदर वैसे मर मेरे साथ तो गया। कोई भी नहीं आया। खैर, वो सब बातें बाद में। पहले चलते हैं हमारे टीममेट के पास और उनको कवर देते हैं। गाड़ी आया, इधर कहाँ गया, तो बैक मैं जो है नंबर रोड देख को लेना क्रॉस ठीक करते है। करते और इस वाली बिल्डिंग में आ गए, जो पुलिस स्टेशन होता है ना यहाँ पे, क्योंकि इधर एक आया इसके था, जो साइड दासी वाली आया बिल्डिंग था, होती है ना, वहाँ पे रिकॉल होता है और वहाँ पे भाई बहुत बंदे आते हैं। फाइनली मैं यहाँ पे आया और मुझे पता चला कि सामने जो है स्मोक भी बंदे हैं और यहाँ नीचे भी बंदे हैं हमारे जस्ट आगे वॉल पे। तो मैंने थोड़ा तो वेट करा, फिर जैसे ही मेरे टीममेट ने कहा कि यहाँ पे एक बंदा नॉक पड़ा है, तो मैं सीधा घुस गया अंदर। भाई एक ही तो बंदा बचा फिर तो, और ये करते हैं हम रश। भाई जैसे यहाँ पे आए, यहाँ पे पूरे दो बंदे खड़े थे। मुझे नहीं पता था कि इस बंदे ने हील वील भी कर लिया होगा। खैर जो भी था, इन बंदों को फिनिश करते जल्दी से, वरना कोई बोट वोट आके किल चोरी कर लेगा। तो इन दोनों बंदों को तो मैंने इजीली मार दिया। मैं तो ये सोच गया था कि एक बंदा होगा, यहाँ पे दो निकले तो किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तभी ये बोट आया यहाँ पे, तो KD बढ़ाते हैं भाई इसको मार के। अब इसको मारने के बाद मैं यहाँ पे काफ़ी देर लूट वूट करता हूँ और फिर निकल लेते हैं हम बंदों की तलाश में। तो मैं यहाँ पे जा रहा था ड्रॉप लूटने के लिए सामने, तो वहाँ पे मैंने देखा कि यार ड्रॉप तो पानी में गिरा हुआ है आगे की साइड। तो एक काम करता हूँ, मैं ऊपर चला जाता हूँ पहाड़ पर, वहाँ से बढ़िया एंगल मिलेगा और कोई बंदा लूट करने आएगा ना तो उसको ईजिली मार दूंगा मैं। जैसे यहाँ पे आया तो सामने एक मुझे बग्घी दिखाई दी और उस बग्घी के ऊपर एक बंदा। तो मैंने बग्घी को रोका यहाँ पे मेरे वाली को, और भाई इस बंदे को इतनी गोली मारी, इतनी गोली मारी है ये, फिर भी अबे नॉक क्यों नहीं हुआ भाई। पता नहीं यार ये क्या खा गया था सुबह सुबह। तो खैर जो भी था, मुझे लगा कि ये बंदा शायद ऑफलाइन है, ग्लिच होगा कुछ, तो मैं आगे आ गया यहाँ पे। तभी मुझे पहाड़ पे इसका जो टीममेट दिखाई दिया। तो सबसे पहले तो इसको नॉक करते हैं और इसको नॉक करने के बाद अब इसको मारते दोबारा। तो भाई ये अब भी नहीं मर रहा। तो खैर इसको अपने एक काम करते हैं, बग्गी ब्लास्ट करके फोड़ते हैं ठीक है। पहले तो उसको देखते हो तो नहीं मिलेगा हमको, पता नहीं नीचे गिर गया होगा। तो अब करते हैं इसकी बग्गी ब्लास्ट। और भाई अब भी नहीं मरा ये बंदा, मतलब
क्या ग्लिच चल रहे हैं यार गेम के, अलग ही नशे चल रहे हैं। फिर मैं इस बंदे को ढूंढने के लिए ना यहाँ पे आया जिसको मैंने नॉक करा था। अब वो बंदा तो मुझे नहीं दिखा, लेकिन ये एक बोट ज़रूर दिखी मेरे को सामने, जिसके अंदर भाई एक बंदा बैठा हुआ था, यानी कि फ्री का किल। तो मारते हैं फुल सिक्स एक्स से, और ये हो गया बंदा नॉक। अब नॉक होने के बाद वो तो पानी में गिर गया, तो उसके टीममेट दिखाई दिए मेरे को यहाँ पे, तो इनको मारते हैं भाई। फिलहाल तो एक ही दिख रहा है, और अरे भाई वो एक भाग गया यार। यार उसको हम पकड़ते हैं, उसको नहीं जाने दूंगा मैं ड्रॉप वाले को। और भाई वो बंदा तो भाग गया यार नाव लेके। खैर जो भी है, आएगा तो सही ना, तब मारेंगे उसको। और भाई ये बंदा तो निकलने का नाम भी नहीं ले रहा। तब फाइनली ये बंदा बाहर आया, इसको फिनिश कर दिया। अब बस वो बोट वाला बंदा बचा था उधर की साइड। तभी मुझे यहाँ पे दो बंदे और स्पॉट हुए, दो के भी तीन भाई। तो पहले तो इसको नॉक करा एक को, उसके बाद एक को फिनिश करा, और एक और को नॉक कर दिया यहाँ पे, यानी कि बंदा बचा सिर्फ एक यहाँ पे। तो मैंने टीममेट को बोला कि यहाँ पे बंदे नॉक हैं, तू जाके सीधा रश कर दे। अब पता नहीं यहाँ पे किसी कोई और टीम आ गई थी या क्या हुआ, तो मेरे को मेरा किल तो मिल गया, और दूसरा बंदा था उसको मैंने मारने का ट्राई करा, और वो किल भी मुझे ही मिल गया। मुझे लगा था कि नहीं मिला होगा मुझे। फाइनली यहाँ पे मेरे टीममेट ने एक को नॉक करा, तो सबसे पहले तो इसको करते हैं फिनिश। अरे भाई ये सब क्या चल रहा है, मतलब वो नॉक मैंने कराया। ओ मैं जब खेल रहा था ना, तब मेरे को नहीं पता था कि ये नॉक मैंने करा है। ओके फाइनली यहाँ पे एक ही बंदा बचा, मैं पीछे आया। फिर सोचा कि नहीं यार बग्गी लेके क्यों जाना है, सीधा चलते हैं ना। अब तो एक बंदा होगा या फिर दो होंगे, नहीं क्या? और मेरे टीममेट ने भी यहाँ पे काफ़ी बंदे मारे, तो मेरे हिसाब से तो कोई नहीं बचा होगा। लेकिन फिर मुझे एक बंदा दिखाई दिया। मैं यहाँ पे आया लेटा, और जैसे बंदा इधर आया भाई उसको नोक दिया आराम से। अब मैंने सोचा क्या एक नेड वेड कर देता हूँ, तो नेड तो मेरे पास था नहीं, एक मोली थी, तो उसको मैंने सोचा कि सेक के थोड़ा सा साइड में फेंक देता हूँ, क्या पता बंदा जल जाए। लेकिन ना भाई, अब मुझे लगा कि एक ही बंदा उधर की साइड, तो मैंने उधर ध्यान नहीं दिया, और तभी भाई इस गलती की वजह से मैं यहाँ पे नॉक हो गया। खैर जो भी था, यहाँ पे मैं नॉक हुआ, तो मेरे टीममेट ने इसको मारा तो नहीं इस बंदे को, बस स्मोक वगैरह करा और मेरे पास आके मुझे रिवाइव दिया। फाइनली मैं बस रिवाइव होने ही वाला था कि बंदा आ गया, और भाई बंदा कूद गया सीधा नीचे। तो भाई ऐसे टाइम पे ना हील वील बाद में, पहले इस बंदे को नॉक फिनिश करते हैं। तो इसको तो नॉक फिनिश करके मैं पूरा खा गया। अब इसका जो और टीममेट था वो मेरे को भाई मिला ही नहीं, मतलब सच में पता नहीं कौन सी दुनिया में था कि मुझे दिखाई नहीं वो बाद में यहाँ पे। शायद मेरे टीममेट ने मार दिया उसको, तो यहाँ पे हो गई ऑल डेड। अब हमने वहाँ पर लूट वूट करके, और हम लोग आ गए इस छोटे वाले घरों पे, क्योंकि यहाँ पे जोन बना हुआ था और हम थे जोन के बाहर। तो जैसे ही यहाँ पे आया, मुझे बंदे बहुत सारे, यानी कि पूरी पूरी स्क्वाड दिखाई दी यहाँ पे। तभी एक बग्गी आई। अब इस बग्गी वाले को पड़ी तो थी एक दो गोली, लेकिन ये फिर भी भाग गया। मैं इधर कवर में आया, पीछे वाली टीम ने मेरे ऊपर रश करा, तो मैंने एक को तो नॉक कर दिया। लेकिन यार वो जो दूसरा बंदा था ना, उसके ऊपर थोड़ा सा एम मिस हो गया, जिसके कारण मैं यहाँ पे मारा गया। और जो मेरा टीममेट था भाई, वो तो अलग ही दुनिया में खोया हुआ है। बट भाई देखो यार एक बार इसको, मैंने इसको बोला कि भाई एक को नॉक कर दिया है, एक पूरा डैमेज है, तो बंदे बचे दो, तू आगे नेड मोली कुछ तो कर। लेकिन नहीं भाई, इस बंदे ने कुछ भी नहीं करा। और अब देखो इसको भाई, बिना बात का फायर करा इसने। जब वो बंदा रिवाइव दे दिया, उसने हिल विल कर लिया, तब फायर करा। तो भाई अब तो इसको कौन ही छोड़ेगा, नहीं क्या? तो इसके ऊपर होने वाला है ब्रश, और भाई ये लो शुरुआत हो चुकी है। अब देखो इसके राइट से बंदा आ रहा है, और ये लेफ्ट में हुआ, और ये लो भाई इस घर वाले बंदे ने इसको इजीली मार दिया। तो बस यार फिर आज की इस वाली वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।